हम लोग विधानसभा के सामने एक कोर्टफोन हुआ करता था, सड़क के उस पार विधानसभा थी, सड़क के इस पार हमारा धरना स्थल हुआ करता था, पीछे विधायक निवास थे, हम लोग अपनी बात करते थे, विधानसभा में भी बात जाती थी, पीछे भी लोग सुनते थे। अभी नारा सिमट गया, एक कैदखाना है, आप आइए, एक बड़ा गेट लगा हुआ है, इसके भीतर आ जाइए, यहां सर पकड़िए दीवारों से, पत्थरों से और चले जाइए। ये पूरे देश में हुआ। सचेतन रूप से मेहनतकशों की आवाज को सीमित करने के लिए ये सचेतन रूप से हुआ। पहले दिल्ली में हम लोग वोट क्लब में रैली करते थे, उसके सामने संसद हुआ करती थी, तो हम लोग कहते थे कि एक विधायक लाखों लाख लोग और तुम्हारी सोने की लंका में कब्जा करेंगे। वो जगह छीन लिया उन्होंने, कहा आप कब्जा करने के लिए जगह हम दिखने नहीं देंगे आपको, इसलिए आप जंतर मंतर चले जाइए, 2000 आदमी बैठ सकता है, इससे ज्यादा नहीं। चारों तरफ से बड़ी बड़ी दीवारों से घिरी हुई एक जगह है, वहां धरना करिए, उसमें भी 500 पुलिस है, तो जगह कम हो गई है, सीमित हो गई है। ये जगह खाली विधानसभा से यहाँ और वोट से संसद भवन से जंतर मंतर नहीं किया है उन्होंने, विधान ने भी हमारे आपके बोलने का, हमारे आपके तमाम अधिकारों की जगह सीमित की है। ये मजदूर तो कभी नहीं होते थे कर्मचारी, ये जो आप स्कीम वर्कर्स देख रहे हैं, ये संविदा वर्कर्स आप देख रहे हैं, ये जो आउटसोर्सिंग आप देख रहे हैं, ये तो हमारे हिंदुस्तान के संविधान में इसकी कोई व्यवस्था नहीं थी, ये कहां से पैदा हो गए। तो उन्होंने हमारी सेवाओं में भी, हमारे जो अधिकार हमको संविधान में मिले थे, जिसको लड़ करके हमने हासिल किया था, हमारे ऊपर किसी ने दया इतिहास कमर नहीं की। हमने 8 घंटे के काम के अधिकार के लिए हजारों लोगों ने बलिदान दिया, गोलियां खाई, तब 8 घंटे का कानून मिला, हजारों संघर्षों के बाद परमानेंसी का अधिकार मिला, प्रोविडेंट फंड का अधिकार मिला, ईएसआई का अधिकार मिला और कानून बने। क्या आपको मालूम है कि 1996 में योजना आयोग ने, भारतीय योजना आयोग ने एक सिफारिश की और उस सिफारिश में उसे आप जैसे कर्मचारियों का आउटसोर्सिंग संविदा, इस तरह के कर्मचारियों की एक अवधारणा पेश की और कहा राजकीय घाटे को बचाने के लिए कम पैसे में ज्यादा काम लेने वाले, काम करने वाले लोगों को लाने की तरफ जाना चाहिए और अस्थायी नौकरियों का मामला खत्म करना चाहिए। तो उन्होंने कहा 10 करोड़ लोगों को 2010 तक अस्थायी सेवाओं से बाहर करना है, उन पदों को डिलीट करना है और उनकी जगह संविदा कर्मचारियों से, आउटसोर्सिंग कर्मचारियों से, इसके वर्कर से काम का अभ्यास करना। तो पार्लियामेंट में भी हमारे तमाम सभी वक्ताओं में 2-3 लोगों को मैंने सुना, दीदी थोड़ा पीछे चले जाइए बात करने के लिए, तो मैंने सुना कि हमारा राजनीति से कोई लेना देना नहीं है, तो इस बात को समझना होगा कि राजनीति से हमारा क्या लेना देना है। पार्लियामेंट के अंदर सारे साफ बिछी हाथ गुजर जितने थे, जितने निशान है धरती के अंदर, घोड़ा हाथी बैल साहब ये सब मौजूद थे, लाल पीला नीला सब मौजूद थे, और ये योजना आयोग की जो सिफारिश है ये कानून के जामे में बदल गई, इसको कानूनी जामा पहना दिया गया और इस देश में नौकरियों का चरित्र बदलने लगा। किसने बदला, कानून कौन बनाता है? कानून असेंबली बनाती है, कानून पार्लियामेंट बनाती है। कानून बनाने वालों को हम बेलगाम छोड़ देंगे और हम कहेंगे हमारी तुमसे कोई लड़ाई नहीं है, हम भिखारी हैं। मेहनत करने वाले लोगों को दुनिया में किसी ने भीख नहीं दी, उन्होंने लड़के और छीन कर हासिल किया है, संघर्षों से हासिल किया है, क्या देने का कोई आपको, तपस्या का कोई परिणाम मिला आपको? 15 साल से हमारी एक बहन भी अपनी बात में अपनी बात रख रही थी, तो मैंने सुना 15 साल से आप जुटी हुई हैं, लगे हुए हैं 24 घंटे। मैं एक बार आप लोगों की एक मीटिंग में था,
चार साल पहले की बात है, पांच साल पहले की बात है, वो रसोईया में, रसोई घर में जो है उन्होंने सीसीटीवी कैमरा लगा दिया था। 24 घंटे काम करती है। एक दीदी ने बताया, कहा भैया बच्चे से साल साल में अपने बच्चे से मुलाकात नहीं होती, पति की दवा छोड़ दीजिए। 24 घंटे काम है, 5,000 रुपए मेहनताना है। दुनिया में न्यूनतम वेतन का कानून है और उसका एक सिद्धांत है, उससे कम आप दे नहीं सकते, वह एक आपराधिक कार्रवाई है। मैं एक जानकारी आपको देना चाहता हूं, दुनिया में मजदूरों और कर्मचारियों सबकी तनख्वाहों का और उनके जीवन स्तर के बारे में, उनके काम के घंटों के बारे में श्रम सम्मेलन बुलाए जाते हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर और राष्ट्रीय स्तर पर। उनमें तय होती है नीतियां, सरकारें सिफारिशें करती है और वो सिफारिशें फिर वो धीरे धीरे लागू करती है। 2011 में भारत के 45वें श्रम सम्मेलन में मनमोहन सिंह उसके अध्यक्ष थे, खड़गे उसके आयोजक थे, जो इसमें कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष है, ये तत्कालीन श्रम मंत्री थे। इस देश के सारे शिक्षा सचिव, इस देश के सारे शिक्षा मंत्री, इस देश के सारे हेल्थ सेक्रेटरी, सारे स्वास्थ्य सचिव, स्वास्थ्य मंत्री सब इकट्ठा थे और एक फैसला हुआ उसमें, एक निर्णय 3 दिन बाद विशेषज्ञों की कमेटियां थी, सब लोगों ने मिलकर एक निर्णय दिया। उसकी जो फाइंडिंग्स है उसके 19वें पेज के 3rd पैराग्राफ पे आप जाइए और गूगल करिए 45वां श्रम सम्मेलन, आपको मिल जाएगा। कहा कि जितना योजना के आधार पर कार्यक्रम चल रहा है देश के अंदर, इस सबको स्थायी करिए और इसके अंदर काम करने वाले सारे लोगों को अस्थाई कर्मचारी घोषित करिए। यह 45वें श्रम सम्मेलन की 2011 की 22 जून की सिफारिश है। तो कस्तूरबा भी चल रहा है, सर्वोदय भी चल रहा है, आशा भी चल रही है, मिड डे मील भी चल रहा है, आंगनबाड़ी भी चल रही है, वो रोजगार सेवक भी चल रहा है, गांव का वो पंचायत मित्र भी चल रहा है, शिक्षा मित्र भी चल रहा है, क्या बदला उसमें? दूसरी सिफारिश उसमें है कि न्यूनतम वेतन से कम भुगतान किसी को नहीं दिया जाएगा। 21,000 उस समय, तभी तो दीजिएगा तो 36,000 देना पड़ेगा ये रसोईया भाई को। तो कहां चली गई वो सिफारिश? सरकार के आयोग ने, पूरे देश के विशेषज्ञों के सामने सरकार ने एक फैसला लिया, वो लागू नहीं हुआ। कहा महिला कर्मदारों को वासा है, आंगनबाड़ी है, मिड डे मील है, या सर्वोदय है, या कस्तूरबा, जहां भी हो वो इस तरह के आयोजनों में, समारोह में काम कर रही है, उनको मातृत्व अवकाश 120 दिन का सवेतन मातृत्व अवकाश। आप दुनिया की अकेली अभागी मां है कि दुनिया में कोई ऐसी औरत नहीं है जो कामगार हो और उसको मातृत्व अवकाश न मिलता हो। यहां वार्षिक छुट्टी नहीं है, त्योहारी छुट्टी नहीं है, यहां ईएल नहीं है, यहां सीएल नहीं है। कहां गई वो सिफारिश? वो सिफारिश नहीं मिली कुछ लोगों को, वो एक समाज, एक हिस्सा है कुछ लोगों को। तो ये सारा का सारा फिर आया, कहा उन्होंने कि या तो ईएसआई दीजिए और या फिर इनको स्वास्थ्य